ठीक है भैया। नीतीश कुमार का बनारस रैली होने वाला है, आप बोलते हैं कि नीतीश कुमार का राष्ट्रीय स्तर पर कोई वर्चस्व नहीं है। हमको बोलने की जरूरत है नीतीश कुमार का बिहार में जब कोई वर्चस्व नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पर कैसे वर्चस्व हो जाएगा। आप हमारे कहने पर मत जाइए, 243 विधायकों के यहाँ पर विधानसभा में नीतीश कुमार का 42 को विधायक है, तो क्या बताता है कि बिहार में बहुत उनका वर्चस्व है। 12-13% पूरे बिहार में वोट उनको मिला है, तो ये क्या बताता है? अगर 100 में 12% आपको वोट मिलेगा तो बिहार में आपका वर्चस्व बताता है। तो जिसका बिहार में ही वर्चस्व नहीं है उसका देश में कैसे हो जाएगा? ये तो लॉजिक कॉमन सेंस की बात है। रैली करने को तो जाके आप जाकर केरल में रैली करने लगे तो कोई रैली करने पर तो रोक है नहीं। सुशासन बाबू क्यों कहा जा रहा है? हमको तो कोई नहीं मिला जो नीतीश कुमार को सुशासन बाबू अभी कह रहा है। पहले किसी जमाने में 2005 से 2012-13 का एक दौर था जब लोगों को, बिहार की जनता को ऐसा लगा था कि बिहार में कुछ सुधार हो रहा है, और वो इसलिए लगा था कि बिहार की जनता ने 15 बरस लालू राज, जंगल राज देखा था। तो जब बहुत अंधेरा होता है उसमें एक छोटा सा दिया भी जलेगा तो उसका प्रकाश थोड़ा ज्यादा दिखता है, और कुछ प्रयास उन्होंने शुरुआती दिनों में किया भी था। लेकिन 2014 के बाद जो नीतीश कुमार है उनको कोई भी सुशासन बाबू नहीं कहता, वो तो खुद ही अपने आप को अगर कह रहे हैं तो सुशासन बाबू कह रहे हैं, जनता तो नहीं कह रही है। कहीं गांव देहात सड़क पंचायत पे तो हमको कोई नहीं मिला ये कहता हुआ कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू है या जो राज वो चला रहे हैं इसमें सुशासन है। लोग तो ये बताते हैं कि लालू जी के राज में अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश कुमार के राज में अधिकारियों का जंगल राज है, फर्क तो कुछ नहीं दोनों में। अच्छा, बहुत लंबे समय से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक मंच पे दोनों साझा नहीं किए, क्या लग रहा है आपको नीतीश कुमार फिर? भाई इतना हम दिमाग लगाते नहीं है, नीतीश कुमार कहाँ रहेंगे, किसके साथ मंच साझा कर रहे, नीतीश कुमार को खुद नहीं पता है कि वो कहाँ रहेंगे। हमको इतना पता है कि नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है, आने वाले कुछ महीनों में खास करके लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार चुनाव के साथ नीतीश कुमार के दल जनता दल यूनाइटेड का विघटन शुरू हो जाएगा, और उसके बाद कुछ महीनों में उनका पूरी तरीके से यहाँ खात्मा हो जाएगा राजनीतिक तौर पर। वो न दल बचेगा, न दल के लोग बचेंगे, न दल के नेता बचेंगे। लोकसभा चुनाव तक जितना हाथ पांव मारना है मार लीजिए, एक दो सीट जहां लड़ना है लड़ लीजिए, एक दो कहीं कोई सफलता मिल जाए तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमने ये कहा है कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को 5 सीट भी नहीं आएगा। अगर आएगा तो हम बिहार की जनता के सामने खड़ा होकर अपनी गलती मानने को तैयार है। तो आपके हिसाब 5 सीट भी नहीं आएगा उनको, नहीं आएगा, उसके बाद उनके दल का विघटन होना अवश्य भावी है। बिहार की नीतीश को आपने नजदीक से देखा, कितना भी विकास की बात कर लीजिए लेकिन जब वोट का वक्त आता है वही जाति देखी जाती है, आपका क्या इरादा? मतलब आप चुनाव के टाइम में बताएंगे कि मैं ये करूंगा? आपके आपके जितना तो राजनीति की हमको समझ नहीं है, लेकिन अगर आप ही के बात को हम सही मान ले तो आप हमको समझा दीजिए कि मोदी जी को बिहार में तो वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है? पड़ा है। मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं ये बता दीजिए। अगर जाति पर ही, आपने कहा कि हर आदमी जाति पर ही वोट देता है, तब तो मोदी जी को बिहार में एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए था। इसी बिहार में 20% मुसलमान रहते हैं, ये सारे लोग जनता दल ये आरजेडी को वोट देते हैं, तो लालू जी की जाति और मुसलमानों की जाति तो एक नहीं है, तो क्यों देते हैं ये लोग वोट आरजेडी को? इतना जो आप लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं कि सब जाते पर दे रहा है, अगर ऐसा होता तो ना मोदी को वोट मिलता हिंदुओं का, ना आरजेडी को वोट मिलता मुसलमानों का। वोट मूलतः यहाँ 4 बिंदुओं पर पड़ता है। पहला, उसमें एक जाति भी बड़ा मुद्दा है, लेकिन जाति एकमात्र मुद्दा नहीं है। समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देता है। तीसरा, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भाजपा का वोटर नहीं है, लेकिन उसको लालू जी से विरोध है, लालू जी से डरता है, इसलिए जाके डर के मारे भाजपा को देता है। 5 वर्ष वो भाजपा के नेताओं को गाली देता है,
लेकिन चुनाव जब दिखता है कि सामने आरजेडी जीत सकती है तो आरजेडी को तो दे नहीं सकता, तो जाकर भाजपा को देता है। और यही हाल कमोवेश मुसलमानों का है। ये आरजेडी के वोटर नहीं है, ना जाति के आधार पर ना धर्म के आधार पर। इनको लगता है कि भाई भाजपा को तो हम दे नहीं सकते तो हम किसको देंगे, एक आरजेडी बचा उसको आरजेडी को वोट देते हैं। तो जो मजबूरी का वोट है उसको आप जाति का वोट ना बताएं। ये जाति का वोट नहीं है, ये मजबूरी का वोट है, डर का वोट है, विकल्प नहीं है इसलिए दे रहे हैं। विकल्प बन जाएगा, नहीं नहीं देंगे उसको वोट। अच्छा, केंद्र में